जॉनाथन स्विफ्ट, ठीक है। जॉनाथन स्विफ्ट 18th सेंचुरी जो है प्रोज राइटर भी था, और इसने, और 18th सेंचुरी को हम ऑगस्टन एज भी कहते हैं। इसकी जो एज थी वो क्या थी, 1667 से, यानी कि डेट ऑफ बर्थ या ईयर ऑफ बर्थ उसका 1667 टू 1745, ठीक है, और सेम पॉप की एज से ताल्लुक रखता है। जॉनाथन स्विफ्ट, आयरिश ऑथर एंड जर्नलिस्ट, द फॉरमोस्ट प्रोज सैटिरिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। स्विफ्ट बेस्ट नोन वर्क इज गुलिवर्स ट्रैवल्स 1726। 1726 में उसने गुलिवर्स ट्रैवल्स लिखी। बेटा ये इरास यूओएस के स्टूडेंट्स जरा इनको देखिए। स्विफ्ट वाज बोर्न इन डबलिन ऑन नवंबर 30, 1667। ही स्टडीड एट किलकेनी ग्रामर स्कूल 1674 to 82 एंड एट ट्रिनिटी कॉलेज इन डबलिन 1682 to 89, रिसीविंग हिज बीए इन 1868 एंड एमए इन 1692। In 1695, Swift was ordained in Church of Ireland. ठीक है, अब क्या हुआ कि Swift जो था वो Church of Ireland में ordained हुआ, Anglican Dublin. ठीक है, Dublin में वो Anglican था. He made several trips to London and gained fame with his essays. अपने essays की बेस पे उसने काफी fame हासिल कर ली थी, क्योंकि ये एक जो है ये essay writer, prose writer, और ये पब्लिश किया करता था इन एसेज को थ्रू आउट द राइन ऑफ क्वीन एनी 1702 to 1714। सो इट वाज वन ऑफ द सेंट्रल फिगर इन द लिटरेरी एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लंदन। और थ्रू आउट द राइन ऑफ क्वीन एनी, ये जो स्विफ्ट जो था वो एक सेंट्रल फिगर था इन द लिटरेरी एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लंदन। लंदन की पॉलिटिकल लाइफ में जो है ये सेंट्रल फिगर था। ही वाज अ फाउंडर मेंबर ऑफ स्क्राइबरलस क्लब, ठीक है, और वो बहुत एक फाउंडर मेंबर था स्क्राइबरलस क्लब का। अच्छा जी, 1710 स्विफ्ट ट्राइड टू ओपन अ पॉलिटिकल करियर अमंग द विग्स एंड चेंज हिज पार्टी एंड टुक ओवर द टोरे। इसको जरा अंडरलाइन कीजिएगा और अपनी नोटबुक्स में लिखे विग्स एंड टोरे 1710 स्विफ्ट। ठीक है, स्विफ्ट ने क्या किया कि उसने अपना जो पॉलिटिकल करियर है किंग जॉर्ज वन के दौर की बात है, उसने विक्स के थ्रू, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसको विक्स कहा जाता था, जैसे आजकल नवाज शरीफ और इमरान खान बहुत मशहूर है ना, उस वक्त विक्स एंड टोरे बड़ी मशहूर पार्टी हुआ करती थी। तो उसने क्या किया कि विक्स को ज्वाइन किया, विक्स पार्टी को ज्वाइन किया ताकि वो अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करे। लेकिन बाद में उसने क्या किया, बट चेंज हिज पार्टी एंड टुक ओवर द टोरे। लेकिन बाद में उसने टोरे को ज्वाइन कर लिया। जर्नल द एग्जामिनर, टोरे जर्नल द एग्जामिनर, विद द एक्सेशन ऑफ जॉर्ज वन द टोरेज लॉस्ट पॉलिटिकल पावर। और जैसे ही जॉर्ज वन जो है वो वहां का जो उसको एक्सेस मिल जाती है, तो टोरे जो है वो अपनी पॉलिटिकल पावर जो है वो खो देता है एंड स्विफ्ट विथड्रू टू आयरलैंड। और स्विफ्ट जो है वो फिर आयरलैंड चला जाता। फ्रॉम 1713 टू 1742 ही वाज द डीन ऑफ सेंट पैट्रिक कैथेड्रल। स्विफ्ट रिलीजियस राइटिंग इज लिटिल रीड टुडे। उसकी रिलीजियस राइटिंग भी थी लेकिन बहुत कम पढ़ी जाती है। इट मींस कि उसने रिलीजन को, अभी आप देखेंगे गुलिवर्स ट्रैवल्स में, उसने रिलीजन को और ये टॉरीज और जो ये जो दो पार्टीज थी विग्स एंड टोरे, इसको इन्होंने बहुत मतलब पंजन से टायर किया था इन दोनों पार्टीज को। हिज फेमस मोस्ट फेमस वर्क्स अदर देन गुलिवर्स ट्रैवल्स इंक्लूड द बैटल ऑफ द बुक्स। और इसकी जो मोस्ट फेमस वर्क्स थे गुलिवर ट्रैवल की, वो बैटल ऑफ द बुक्स था। बेटा इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, ये वो बैटल ऑफ द बुक्स थी जिसकी वजह से क्वीन एनी जो है वो नाराज हो गई थी। एंड टेल ऑफ अ टब, ये दो इसने बुक्स लिखी थी जिसकी वजह से क्वीन एनी नाराज हो गई थी। अब क्या हुआ था कि his most famous work other than Gulliver's Travels include the Battle of the Book 1697 which explored the merits of ancient and the modern in literature and the tale of the a religious satire in arguments against abolishing Christianity 1708 the narrator argues for the preservation of the Christian religion as a social necessity। Gulliver's Travels के बारे में अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि Jonathan's masterpiece Gulliver's Travels appeared in 1726. It is divided into four books. चार books में इसको divide किया गया।
बट द यंग पीपल प्रेफर ओनली टू ऑफ देम. लेकिन ये जो यंग लोग हैं ये सिर्फ दो प्रेफर करते हैं. गुलिवर वॉइस टू लिली पुट वेयर द पीपल आर 6 inches हाई. ठीक है, गुलिवर का जो वॉइस था लिली पुट जहाँ पे लोग सिर्फ 6 inches हाई थे, यानी कि छोटे छोटे बोने थे. एंड ड्रॉपडिंग नैग वेयर द पीपल आर जाइंट्स. और ड्रॉपडिंग नैग में गुलिवर खुद छोटा था, बोना था, लेकिन लोग वहाँ पे जाइंट्स थे. द लिलीपुटियंस फाइट्स वॉर्स विद सीम फॉलिश. लिलीपुटियंस क्योंकि वो छोटे थे तो वो हर वक्त जंगों में पड़े रहते थे. लिलीपुट थे ना छोटा, उनका साइज भी छोटा था और वो कंजर्वेटिव थे. ठीक है, वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे. तो वो क्या करते थे, लिलीपुट फाइट्स वॉर विद सीम फॉलिश. द किंग ऑफ ड्रॉपडिंग नैग थिंक्स दैट पीपल आर मोस्ट टेरिबल क्रिएचर ऑन द अर्थ. और जब ड्रॉपडिंग नैग में जब वो गया तो किंग ऑफ द ड्रॉपडिंग नैग ही था जिसने गुलिवर को कहा था. जब गुलिवर खुद बोना था और वो एक जाइंट की दुनिया में चला गया था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसने कहा था कि यू आर द मोस्ट परनीशियस वर्मन एवर क्रॉलिंग ऑन दिस अर्थ. तो ये वही परनीशियस वर्मन थी जिसको वो कहता है कि तुम मोस्ट परनीशियस वर्मन है जो क्रॉल करते हो अर्थ के ऊपर. अच्छा जी, यहाँ भी देखिएगा, ये आपको कुछ पिक्चर्स यहाँ पे नजर आ रही हैं. ये ड्रॉपडिंग नैग की दुनिया है सेकंड, और यहाँ पे सब बोने हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए गुलिवर लिलीपुट्स की दुनिया में चला गया. ये गुलिवर इतना बड़ा सा गुलिवर है और ये छोटे छोटे बोनों ने इसको कैद कर लिया. और गुलिवर इसलिए कह रहा है कि गुलिवर को खुद अपने पार के बारे में नहीं पता. ह्यूमैनिटी यहाँ पे भी शो हो रही है और ह्यूमैनिटी यहाँ पे भी शो हो रही है. दीज आर द कंजर्वेटिव पीपल. ठीक है, जो कि जिन्होंने ये इतनी पूरी दुनिया को जो है अपने काबू में किया हुआ, और इस दुनिया को ये नहीं पता जो कि पूरी दुनिया है, जिनको चंद ममालिक जो कि वेल डेवलप्ड कंट्रीज जो है, जो अपने आप को वाइट्स कहते हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, ठीक है, और उस दुनिया ने किस तरीके से पूरी दुनिया को काबू किया हुआ है, और ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिनको अपनी ताकत का नहीं पता, वो इस पूरी दुनिया के हाथों इस तरह से जकड़े हुए ऐसे ही है. ठीक है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको अपनी ताकत का एक्चुअली नहीं पता. अदरवाइज यहाँ पे देखिए इतना बड़ा गुलिवर है तो क्या वो अपनी रस्सियाँ नहीं तोड़वा सकता. लेकिन गुलिवर क्यों अपनी यहाँ पे रस्सियाँ नहीं तोड़वा सका, ह्यूमैनिटी यहाँ पे भी शो हो रही है और ह्यूमैनिटी यहाँ पे भी शो हो रही है. ठीक है, तो गुलिवर क्यों इनकी बातें मान रहा था, क्योंकि गुलिवर को अपनी ताकत का यहाँ पे पता ही नहीं था. दैट इज ऑल्सो द ह्यूमैनिटी, दैट इज ऑल्सो द थर्ड वर्ल्ड डिलेमा. एंड दीज आर द दिस इज द वर्ल्ड जो कि जिसको हम पढ़ी लिखी दुनिया या वेल डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं. यहाँ पे इम्पीरियलिज्म भी शो हो रही है. कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिर मैं आपको मजीद बताऊंगी कि इम्पीरियलिज्म एक्चुअली होती क्या, किस तरीके से ये जो चंद एक ममालिक हैं जिनमें यूरोपियन और अमेरिकन आ जाते हैं, उन्होंने किस तरीके से बाकी पूरी दुनिया के ऊपर अपने इम्पीरियलिज्म, अपना रसूख, अपना असर, अपनी अथॉरिटी कायम की है. अच्छा जी, आगे चलते हैं. ये भी वही गुलिवर ही है बेचारा, उसको बांधा हुआ है. ये गुलिवर है, यहाँ पे गुलिवर जाइंट है खुद, और वो लिलीपुट की दुनिया में चला गया और वहां जाके, और ये भी गुलिवर ही है, लिलीपुट्स की दुनिया में है और क्वीन से वो बात कर रहा है. ये आपको सारी ये लिलीपुट की दुनिया ही, और यहाँ पे गुलिवर खुद जाइंट की दुनिया में चला गया, और ये बच्ची है जो कि गुलिवर को एक छोटा सा एनिमल समझ के उसके साथ खेलना शुरू कर देती है. यहाँ पे देखें, क्योंकि ये बोना है यानी कि उसके पास ताकत नहीं है, तो जो ताकतवर लोग हैं वो जो है एक बोने को या एक कमजोर लोग को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे भी ह्यूमैनिटी दिखाई गई है. यहाँ पे देखें, एक बच्ची है जो कि गुलिवर को के लिए एक छोटा सा घर बनाती है और उसको उसमें रखती है, लेकिन उसके लिए वो टॉय होता है. यानी कि वो कहते ना कि जब इंसान अपने आप को वीकर शो कर देता है या कौमें अपने आप को वीक शो कर देती हैं, तो कोई भी उनके ऊपर जो है कब्जा कर लेता है ना. तो जब हम अपने आप को खुद वीक शो कर देते हैं, इंटरनली वीक हो जाते हैं, तो कोई भी कौम आके, बड़ी कौम आके छोटी कौम के ऊपर कब्जा कर लेती है. तो दैट इज द थिंग यहाँ पे वो दिखाया जा रहा है. अच्छा जी, व्हेन एन इग्नोरेंट कॉबलर नेम्ड जॉन पेट्रीज पब्लिश्ड एन Almanac of the astrological prediction, Sir parodied it in his book Prediction for the
ensuing year by Isaac Bickerstaff. एक जब एक ignorant cobbler जिसका नाम John Petrie था उसने पब्लिश किया था एक almanac of astrological predictions. उसने astrological predictions के ऊपर कोई किताब लिख दी थी तो स्विफ्ट ने उसको पैरडी किया था अपने थर्ड वॉयज के अंदर. ठीक है, तो उसने astrological इन predictions के ऊपर उसने काफी उसको पैरडी किया था इन हिज बुक prediction for the ensuing year by Isaac Bickerstaff. ठीक है, उसने prediction for ensuing year by Isaac Bickerstaff इससे बहुत सारी books की parody की थी. ठीक है, he foretold the death of John Partridge on March 1708. और उसने जो है death of John Partridge on March 1708 उसने बताई and affirmed on that day his prediction. Partridge protested that he was alive but Swift proved in his vindication that he was dead. अब उसने जब उसकी पेट्रीज की जो किताब थी ना जॉन पेट्रीज उसकी जब मिमिक्री की ना इसने उसको कॉपी किया और उसको ह्यूमरस वे में तो इसने अपनी किताब में लिखा कि जॉन पेट्रीज की जो डेथ है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी वो उसकी डेथ होनी है मार्च 1708. और जॉन पेट्रीज कहता भाई मैं तो जिंदा था मार्च 1708 तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मेरी डेथ होगी. लेकिन वो कहता नहीं भाई किताबों के हिसाब से तुम मरे हुए हो वैसे तुम जिंदा नहीं हो. यानी कि उसने एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज्यादा मिमिक्री की कि मतलब ये क्यों इस तरह से सितारों की दुनिया में इस तरह से लोग जो है अपने आप को इंडल्ज करते हैं. द ड्रेपियर्स लेटर 1724 वर रिटन अगेंस्ट द मोनोपोली ग्रांटेड बाय इंग्लिश गवर्नमेंट टू विलियम वुड टू प्रोवाइड द आयरिश विद कॉपर कॉइनेज. और ये जो ड्रेपियर्स लेटर्स थे जो कि 1724 में लिखे गए वो रिटन अगेंस्ट द मोनोपोली ग्रांटेड बाय इंग्लिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि टू विलियम वुड टू प्रोवाइड द उन्होंने विलियम वुड को कहा कि वो प्रोवाइड द आयरिश विद कॉपर कॉइनेज. अब उन्होंने क्या कहा कि कॉपर कॉइनेज जो है उसको ग्रांट किया जाए. एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हमारे सियासतदान होते हैं ना ये बिके हुए होते हैं एक्चुअली. अब इनके पास कोई बंदा आता है फॉर एग्जाम्पल आप देखें आए दिन हमारे कभी पुलिस के यूनिफॉर्म चेंज हो जाते हैं कभी फौज का यूनिफॉर्म चेंज हो जाता है होता है कभी हमारे कॉइन्स चेंज हो जाते हैं कभी कुछ होता क्या है कि ये जो फैक्ट्रीज वाले होते हैं ना या जो भी कपड़े वाला होगा या वो कहेगा जी हम आपको ये चीज ऐसे प्रोवाइड करेंगे तो आप जो है ना इतना मतलब एक्चुअली ये ऊपर से ना सारा ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना या ये जो अथॉरिटी होती है ये अपना हिस्सा साइड पे कर लेते हैं और सिर्फ एक बंदे को फायदा पहुंचाने के लिए. अब ये देखो ना उन्होंने क्या कहा कि कॉपर कॉइनेज इससे पहले भी कोई कॉइन्स चल रहे होंगे और अगर वो कॉइन्स चल रहे थे तो करेंसी तो चल रही थी ना. लेकिन उन्होंने क्या किया कि कॉपर एक किसी कॉपर वाले का कॉपर बिकवाने के लिए या उसके उसको फेवर देने के लिए पूरी नेशन का आप नुकसान करते हैं या किसी कपड़े वाले के पीछे आप पूरी नेशन का यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं. पुलिस का यूनिफॉर्म देखें पिछले साल कोई 2-3 दफा चेंज हुआ पिछले 3 सालों में. वो क्या होता वो बेसिकली किसी एक मिल ओनर की मिल चलाने के लिए उसको वो करने के लिए और उसी तरह का कपड़ा बनाने के लिए क्या होता है कि वो ये चक्कर होता है सारा. ठीक है, और उसमें पूरी नेशन का कितना नुकसान होता है ये चीजें नहीं देखी जाती. और ये चीजें हम कहते हैं कि करप्शन सिर्फ पाकिस्तान में बेटा करप्शन हर जगह है लेकिन पाकिस्तान का मीडिया और बाकी इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है ना वो मुस्लिम कंट्रीज को और मुस्लिम कंट्रीज का जितना मीडिया है ये भी पेड है इसलिए मैं खबरें नहीं देखती. अब जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे स्पेशली प्रोज पढ़ेंगे यू विल कम टू नो कि जितनी करप्शन पाकिस्तान में है इससे कहीं ज्यादा बाहर के कंट्रीज में भी है लेकिन उनके मीडिया को इजाजत नहीं है. ये जितने भी लोग थे जो मीडिया से ताल्लुक रखते थे इनके साथ बहुत कुछ हो चुका इनको जेलों में भी डाला गया लेकिन ये लोग बाज नहीं आते. ठीक है, लेकिन कितने सारे लोग होंगे कि जिनको और हमारे पाकिस्तान के अंदर मीडिया को आज़ाद करके जितना वो फैलाया जाता है हर चीज़ फैलाई जाती है आपकी सोच है और ये सब पेड है सब पैसा बाहर से आता है. ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट जो है मीडिया कंट्रोल नहीं कर सकती. मे भी हो सकता है कि हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी बिके होंगे. ठीक है, दैट इज़ द बेसिक थिंग. वहाँ पे जो मीडिया इतना आज़ाद नहीं है किसी दूसरे मुल्क में जितना पाकिस्तान में. इन द सेटारिकल ऐसे अ मॉडर्न प्रपोजल
1729, Swift with horrifying logic recommends that Irish poverty can solve by breeding up their infants as food for the rich. और वो कहता है modest proposal 1720, Swift जो है horrifying logic, उसकी horrifying logic ये recommend करती है कि Irish poverty जो है उसको solve किया जा सकता है by breeding up their infants as food for the rich. Swift died on October 19, 1745 and was buried in St. Patrick's Cathedral. ठीक है, उसकी डेथ इस तरह से हुई थी. ये जोनाथन स्विफ्ट है, द ऑथर ऑफ गुलिवर ट्रैवल, वाज बोर्न इन डबलिन ऑफ इंग्लिश पेरेंट्स. 1794 ही वाज ऑर्डेन्ड इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड वाज मेड डीन ऑफ सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल इन 1730. और ये स्विफ्ट डेथ मास्क है एंड द ग्रेव इन सेंट पैट्रिक कैथेड्रल. ये बेटा जोनाथन स्विफ्ट था, इसकी बायोग्राफी थी जो कि आपको यहाँ पे बताई गई.